अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरीहा जे, आप सबकी डाइटिशियन। द रीज़न फॉर मी टू कम ऑनलाइन इज़ के मैं आप सबसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि वेन यू ट्राइंग टू लूज़ वेट या अपना वेट लूज़ करना चाह रहे होते हैं या कर रहे होते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बीइंग कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। हमेशा अपने आप में कॉन्फिडेंट रहा करें। यू नो वेन यू आर कॉन्फिडेंट, ठीक है, आप उस वक्त मत सोचे कि मैं ओवरवेट हूँ या मैं बुरी लगूंगी तस्वीर में या ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ। जब आप अपने में कॉन्फिडेंट होते हैं ना, वो रिफ्लेक्ट होता है, वो कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है और अगला बंदा जस्ट इग्नोर्स द वेट साइड ऑफ इट। हम वेट क्यों लूज़ करते हैं? फलाना कहेगा कि मोटी है, फलाना कहेगा क्यों मोटी है हमारा, तो बेसिक यही होता है ना। तो ऑलवेज भी अपने आप में कॉन्फिडेंस। मैंने बहुत ओवर वेट लड़कियाँ देखी हैं जो कि इतनी खूबसूरत लग रही होती है बिकॉज दे कैरी देम सेल्स वेरी नाइसली। अच्छा मेकअप करती हैं, बाल बनाती हैं, अच्छे कपड़े पहनती हैं एंड दे आर कॉन्फिडेंट इन देम सेल्स एंड एवरीबडी प्रेजेज देम फॉर दैट। सो बी कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ कि मैं जैसी भी हूँ ये मैं हूँ। और उसके लिए अपने आप को ड्रेसअप करें, अपने बालों का ख्याल करें, स्किन का ख्याल करें और जैसे भी हैं, जैसे मैं हमेशा आई ऑलवेज ट्राई टू गिव एग्जांपल्स ऑफ माय ओन। मैं जब वीडियो बनाती हूँ तो ऐसा बहुत दफ़ा हो चुका है कि मैंने बहुत सारा मेकअप किया होता है, मैं आ जाती हूँ ऑनलाइन, कभी कभार मैं बिल्कुल मासी की हालत में होती हूँ। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं किचन का काम कर रही थी, मेरा मेकअप बह चुका है, सुबह किया था मैंने, मेकअप मेरा बह चुका है, मैं रिंग्स वगैरह सब कुछ उतार चुकी हूँ, लिपस्टिक मेरी उतर चुकी है, लेकिन आई एम कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ। मुझे परवाह नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, अपने में कॉन्फिडेंट हूँ मैं, ठीक है, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, ठीक है। तो कभी मैं मेकअप में भी आ जाती हूँ, कभी मैं मासी की हालत में भी आ जाती हूँ, कभी बिकॉज मैं अपने में कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, मैं अपना ख्याल रखूँगी, मैं अपने लिए रिस्पॉन्सिबल। तो यू ऑल टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना ख्याल रखें, अपने खाने पीने का, अपने हाइड्रेशन का, अपनी स्किन का, अपने पाँव का एंड देन बी हैप्पी, बी कॉन्फिडेंट। जब आप कॉन्फिडेंट होंगे ना तो आप वैसे ही अच्छे लगेंगे और साथ में अपनी हेल्दी ईटिंग भी करें और एक्सरसाइज भी करें बिकॉज दैट इज़ सेल्फ केयर। तो जब आप सेल्फ केयर करेंगे तो आपका उससे भी फिर वेट खुद ब खुद लूज़ होना शुरू हो जाएगा। तो माई ओनली मैसेज फॉर टूडे इज़ दैट बी कॉन्फिडेंट इन हु यू आर, ठीक है, एंड दैट विल रिफ्लेक्ट। अपना बहुत ख्याल रखें, मैं वापस जाती हूँ किचन, एकदम जहन में ख्याल आ गया तो मैंने कहा मैं शेयर कर लेती हूँ, बर्तन बहुत ज़्यादा पड़े हैं। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, लव ऑल ऑफ यू। टुडे इज द टॉपिक इज सेल्फ केयर। सेल्फ केयर में ये नहीं जल जाए तो बर्थडे मैं किसी के इंतज़ार में नहीं हूँ कि मुझे कोई खाने पे लेके जाए, मेरे लिए कोई केक लेकर आए, मैं अपना ख्याल खुद रख रही हूँ। बल्कि रात को माई हस्बैंड सेड टू मी कि मैं काम से आते वक्त केक ले आऊँगा। माई हस्बैंड बेचारा ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो रात को बहुत देर से आता है और मैं उसको तकलीफ नहीं देना चाहती, तो मैंने कहा तुम फिक्र मत करो मैं केक ले आऊँगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि मेरी बर्थडे तो क्या मैं इंतज़ार में बैठी रहूँगी कि मेरे लिए और लोग चीज़ें करेंगे। मैं बड़े मज़े से अभी गई, मैं अपने लिए केक लेकर आई, ठीक है, मैं अपने लिए अपनी सेल्फ केयर के लिए मैं अपने लिए बलून्स लाई हूँ, मैं भी बलून्स करूँगी, फूकूँगी, कैंडल्स लाई हूँ, अपने लिए अपनी फेवरेट डिश बना रही हूँ, ये बीफ चिलीज़ हैं, गॉन मैं दिखाती हूँ, ये अभी मैंने इसको डाला है, हाँ बीफ चिलीज़ बना रही हूँ, साथ में ये भी बन रहा है, ठीक है, और साथ में राइस बनाऊँगी। फिर सोच रही हूँ, अभी कुछ किया तो नहीं है, सोच रही हूँ केक के साथ चना चाट, लोबिया चाट वगैरह भी बना लूँ। मीनिंग टू से कि प्लीज़ सेल्फ केयर शुड कम फर्स्ट, डू थिंग्स विच मेक यू हैप्पी, दिस इज़ मेकिंग मी वेरी हैप्पी, आई एम सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे। जगह भी खुद डेकोरेट करूँगी, बलून्स भी खुद फूकूंगी, केक भी खुद लाई हूँ, अपने लिए कुकिंग भी कर रही हूँ एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इतनी विशेज़ मिल रही हैं मेरे और मुझे शाम को जब मेरा हस्बैंड आएगा थका हुआ तो हम मिल के मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आई विल शेयर अ पिक्चर विद ऑल ऑफ यू गाइज, बट जस्ट रिमेंबर किसी के इंतज़ार में ना रहें कि मुझे कभी किसी ने विश नहीं किया, किसी ने मुझे कुछ दिया नहीं, सब अपने लिए करें, आपको भी सब फिर ख्याल रखेंगे, सब अब मेरी खुशी में सब मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। सो सेल्फ केयर इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, औरों का भी ख्याल करें, अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का, लेकिन अपना भी बहुत ख्याल। ऑल ऑफ यू अलॉट, इट्स नॉट अ डाइट, इट्स अ लाइफ स्टाइल चेंज। अल्लाह हाफिज़।